के लिए ममता के नेतृत्व में हुई रैली में बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा की मौजूदगी भी चर्चा में रही। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की गद्दी वाया कोलकाता, ममता का मोदी रोको अभियान, विपक्ष के मिशन दिल्ली का आगाज, ब्रिगेड मैदान में दिखा दीदी का दम। अब वो वक्त आ गया है जब 2019 आम चुनाव के दिनों को उंगलियों पर गिना जा रहा है। चौक चौराहों गली मोहल्लों में चुनाव की चर्चा है। यूपीए और एनडीए के बाद एक बार फिर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारियां हैं। हालांकि ये कोशिशें पहले भी हुई हैं। चंद्रबाबू नायडू ने पूरे देश का दौरा करके माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। तो इस बार मोर्चा संभाला बंगाल की दीदी ममता बनर्जी ने। रसगुल्ले की मिठास के लिए मशहूर कोलकाता शहर के ब्रिगेड मैदान में तमाम दलों के नेता जुटे, जिन्होंने 2019 में देश में परिवर्तन करते हुए नए प्रधानमंत्री की बात कही। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बीएसपी के थिंक टैंक कहे जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा और युवा नेता आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने यहां पहुंचकर बीजेपी को हटाने की हुंकार भरी। देश के कोने कोने से एक ही सुर में एक ही आवाज आ रही है कि एनडीए की सरकार को अब और सहा नहीं जा सकता, इसे जल्द से जल्द हटाना है। साथियों, जब से केंद्र में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तभी से यह सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह से असफल हुई है। मंच से अखिलेश यादव ने लोगों को नए साल की बधाई दी और साथ ही नए साल में नए प्रधानमंत्री की बात कही। वहीं जयंत चौधरी ने भी केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। ज्यादा दलों का गठबंधन नहीं है, हमने तो आपसे सीखा है। आपने गठबंधन करके सरकार बनाई तो हम लोगों ने भी ये देश की खूबसूरती को एक मंच पे ला करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने का काम किया है। अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है, आप पे 40 गठबंधन हैं। 40 गठबंधन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से। ममता के मंच पर मोदी विरोधियों का जमावड़ा तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी वाले शॉटगन का ममता के मंच पर दिखना तमाम तरह की चर्चाओं को हवा दे गया। हालांकि बीजेपी ने तुरंत सामने आकर इसे अनुशासनहीनता भी बताया। इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो शायद इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कलकत्ता के मंच पर हमारे मित्र, हमारे सीनियर पहुंच गए हैं, लेकिन शायद जिस प्रकार से उनकी गतिविधि है, मुझे नहीं लगता है कि अब तो पार्टी संज्ञान ले चुकी है, और मैं समझता हूं कि पार्टी निश्चित रूप से इस पर कदम उठाएगी। लेकिन ये भी विषय है कि पार्टी कई बार व्यक्तियों का जब संदर्भ समाप्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। मंच से मायावती, सोनिया और राहुल गांधी का गायब रहना भी सियासी फिजाओं में चर्चा में रहा। हालांकि दोनों दलों के प्रतिनिधि मंच पर जरूर दिखाई दिए। अब देखना होगा कि मोदी के विरोध में तैयार हो रहा ये मोर्चा चुनाव में कितना चमत्कार कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और आइए अब आपको